हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। आज हम मैंगो खीर बनाएंगे। जैसा कि मैंगो का सीज़न चल रहा है और बच्चों को मैंगो बहुत पसंद होते हैं, मैंगो की खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैंगो की खीर बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ 700 ml दूध लिया है और अब इसको मैंने बॉयल कर लिया है गैस पर, हाई फ्लेम पर मैंने इसे बॉयल किया है। जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकने दीजिए। यहाँ पर खीर बनाने के लिए मैंने टुकड़ा चावल का यूज़ किया है, क्योंकि जब हम टुकड़ा चावल का यूज़ कर खीर बनाते हैं तो खीर अच्छी तरह घुट जाती है, खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। इन चावल को मैंने आधा घंटे पहले अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो दिया था। 700 ग्राम दूध के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चावल का यूज़ किया है। चावल डालने के बाद इसको थोड़ी देर लगातार चलाकर पकाएं। इस समय गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसे घुटने दीजिए। एक बार मैंने इसमें उबाल लगा दिया है फिर से, और उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम अब मीडियम कर दिया है। जब हम टुकड़ा राइस का यूज़ कर खीर बनाते हैं तो खीर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें जो स्टार्च है चावल का वो अच्छी तरह घुल जाता है और खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब ये आप देखिए, दूध को हमें इसमें रिड्यूस करना है। जितनी गाढ़ी अच्छी तरह घुटकर ये खीर बनेगी, खीर का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। दूध इसमें गाढ़ा हो गया है, चावल घुट गए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें डाली है आधा कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर और इसे पकने दीजिए। अब यहाँ पर चावल अच्छी तरह घुट गए हैं, काफ़ी गाढ़ा हो गया है दूध। इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। अब मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता, क्योंकि हमें इसमें मैंगो पल्प डालना है, मैंगो की खीर बनानी है, इसलिए इसको अब हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको अब थोड़ी देर आप ठंडा होने दीजिए। ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं और गैस का फ्लेम अब मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जब खीर थोड़ी देर ठंडी हो जाए तो उसमें ऐड करें आधा चम्मच इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। अब मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ एक मैंगो का पल्प। एक मैंगो को काट कर मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसको आप अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। ये आप देख सकते हैं खीर का टेक्सचर, खीर बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े छोटे छोटे कटे हुए मैंगो के पीसेस। इससे खीर का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा, खीर बहुत टेस्टी लगेगी। अब इस खीर को आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए और फिर इसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। अब 2 घंटे बाद खीर अच्छी तरह ठंडी हो गई है और मैं इसे यहाँ सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंगो खीर खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार इसको अपने घर पर ज़रूर बनाइए, ये सबको पसंद आएगी। बस बनाते समय थोड़ी बातों का आप ध्यान रखिए कि खीर को बीच बीच में लगातार चलाते रहिए और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइए। जब खीर थोड़ी ठंडी हो जाए तभी उसमें आप मैंगो का पल्प डालें और पहले गर्म गर्म खीर में ना डालें। खीर बहुत ही अच्छी बनेगी और आपके घर में सबको पसंद आएगी। अब मैंने इसको ऊपर से थोड़े से मैंगो के पीसेस से और थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है। अगर आपको ये मैंगो खीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।